अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे YouTube चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे वीडियो देखने मिलेंगे सबसे पहले, वो भी फ्री में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी पेड सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गोल्ड 1466 चल रहा है, तकरीबन $1.5 के आसपास ऊपर चल रहा है अपने लास्ट क्लोजिंग से। 1459 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी, ऑलमोस्ट 1461 चल रहा है। चलिए आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आज का गोल्ड का रेजिस्टेंस है $1464, गोल्ड का सपोर्ट है आज का $1453। 1464 से ऊपर निकलता है मार्केट तो 1470 और 1480 वापस टेस्ट कर सकता है। 1453 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जहां से दो बार गोल्ड घूम चुका है। अगर ये ब्रेक करता है तो 1445 और 1440 जाने की चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड वीक है, जब तक 1464 ब्रेक नहीं करता है तब तक। चलिए सिल्वर देखते हैं। ये सिल्वर है, नॉन फार्म पेरोल नंबर के बाद जबरदस्त क्रैश हुई थी, इनफैक्ट गोल्ड से ज्यादा क्रैश हुई थी, 2.5% के आसपास नीचे बंद हुई थी ये फ्राइडे। अभी रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, 1660 के आसपास मार्केट चल रहा है। चलिए आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 1670 का, सिल्वर का सपोर्ट है आज का 1640 का। ध्यान रखिएगा, 1670 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है मार्केट तो 1692 और 1720 तक जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ता है तो 1620 और $16 तक जा सकता है। फिलहाल जो है चांदी का वीक ट्रेंड भी जो है वो वीक है, तो बाइंग अवॉइड करें। गोल्ड और सिल्वर दोनों वीक जोन में बने हुए हैं, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक बाइंग करने का ना सोचें। चलिए क्रूड ऑयल देखते हैं। यह क्रूड ऑयल का चार्ट, अच्छी एक बाइंग के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आ रहा है मार्केट में। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है 58.30 का सपोर्ट है। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस आज का 59.50 का। ट्रेंड अभी भी क्रूड ऑयल का पॉजिटिव है, जब तक 58.30 नहीं ब्रेक करता है। अगर मार्केट 58.30 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो $57 तक जाने के चांसेस हो जाएंगे। 59.50 के ऊपर 60 और $61.20 जाने के चांसेस हो जाएंगे। फिलहाल पॉजिटिव ही है तो डिप्स में बाइंग कर सकते हैं 58.30 से नीचे का स्टॉप डाल के। चलिए MCX के लेवल देख लेते हैं। MCX में क्रूड ऑयल 41.91 चल रहा है। क्रूड ऑयल गाज का सपोर्ट है 41.20, रेजिस्टेंस है 42.35। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 37.720। MCX गोल्ड का सपोर्ट 37.510। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 43.840। MCX सिल्वर का सपोर्ट है आज का 43,150। MCX कॉपर का सपोर्ट है आज का 434.80। MCX कॉपर का रेजिस्टेंस है 440.50। निफ्टी चल रही है 11,960। निफ्टी का रेजिस्टेंस है आज का 11,990। निफ्टी का सपोर्ट है आज का 11,880। निफ्टी का ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है, जब तक 990 क्रॉस नहीं करती है स्पॉट में, इसलिए बाइंग ना करें जब तक 11,990 ब्रेक नहीं करती है। और अगर आपको मेरी पेड सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें मैं लाइव अपडेट देता हूँ, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब कल वापस से अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।